बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ने कुछ दिन पहले मकामी अखबार आज को बयान जारी किए थे कि हम इनके साथ लातालगी के तलब बयान जारी करते हैं, तो मेरा इनके साथ 5 अगस्त से, यानी मुझे 5 अगस्त को इन लोगों ने आवा किया था और कम से कम 45 दिन तक इन लोगों ने ना मालूम मकाम पे रखा, तो मेरे उस दिन से इनके साथ ताल्लुकात खराब है। गुजारिश है कि शहर के एक पुरान और शहरी और एक अच्छे घराने के से ताल्लुक रखते हैं। शहर के वालिद मुहतरम और वालिद मुहतरम वफात पा चुके हैं। शहर के भाई ने बिला वजह 5 अगस्त 2020 को अगवा करने को नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया और 41 दिन तक जैसे बेचैनी में रखा और इस और तरह तरह के तरीकों से काम करते रहे और कहते थे कि हम मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक रखते हैं। फिर मुझे आज़ाद करने के बाद रोजनामा हर खबर को 14 दिसंबर 2020 को लातालगी का इजहार किया और इसके बाद साहिल के भाई फहीम मोहम्मद फहीम खान मुख्तलिफ तरीकों से साहिल को ज़हनी चार्ज कर रहे हैं और तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने दोस्तों और डिग्री साथियों के साथ मुझे घराने की धमकियाँ और असली की नुमाइश करते हैं। ज़हनी ज़ात देते हैं, साहिल के ज़ाती कामों में मुदाखलत अंदाज करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के नशे के ऐशा के इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि साहिल के पास मेडिकल रिपोर्ट सबूत मौजूद है और मेरे साथ मकामी पुलिस तावन करते हैं तो ये लोग उनके खिलाफ बी अफसरान वाला आखिर को दरख्वास्त देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं और इसके अलावा शहर के सरकारी और गैर सरकारी डिपार्टमेंट से अपील है कि मेरे गैर मौजूदगी में किसी किस्म की चेक मेरे भाइयों को बैंक चेक जारी ना किया जाए और किसी किस्म के लेन देन किए तो उसके वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे और कानूनी कार्रवाई में लाए जाएंगे, क्योंकि ये लोग यानी मेरे भाई एडवांस पेमेंट लेते हैं और चेक भी ले लेते हैं और बाद में काम नहीं करते हैं। तो उसके अलावा इसके एक कमांडर समद नाम का एक कमांडर जिसके ऊपर अगवा ऊपर कत्ल और अगवा के मुकदमात में इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम है क्योंकि मेरे ऊपर तैनात किया था और इनकी निगरानी में मुझे जैसे जिस बेचैनी रखा था और चार्ज करते थे। साहिल ने वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील है कि इनके कानूनी मदद किया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। शुक्रिया भाई।